अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट, यानी टाइफाइड बुखार जो होता है उसकी मेडिसिन जो है वो कौन कौन सी है। होम्योपैथी में आप अगर मेडिसिन की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि आपको सिम्टम का पता होना चाहिए, यानी इलामात का पता होना चाहिए कि बीमारी जो भी है उसमें इलामात कौन कौन सी आ रही हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि टाइफाइड की जो पहचान है वो आप ये इलामत देखकर कर सकते हैं। सबसे पहली मैंने इलामत बताई थी कि सर दर्द का होना बहुत ज़्यादा, सर दर्द होना, सर का भारी होना। इसके बाद कफ का होना, खांसी का होना। इसके बाद पेशेंट जो है वो वीकनेस महसूस करता हो, थकावट महसूस करता हो, अगर थोड़ा सा चलता है या कोई भी वो काम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। उसके बाद उसे कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन का होना, ये भी टाइफाइड बुखार में बहुत ही कॉमन है, यानी कि ये इलामत बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद ये जो टेम्परेचर होता है टाइफाइड में, ये हर रोज़ बढ़ता ही बढ़ता रहता है, ये एक जैसा नहीं रहता। आज अगर 98.6 है तो कल ये 99 हो जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा, उसके बाद ये 101 हो जाएगा, यानी ये हर रोज़ ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ता जाएगा। आखिरी जो इलामत है वो होती है कि टेम्परेचर के साथ साथ चक्कर आना। बस ऐसा होता है कि पेशेंट चलता है या थोड़ा सा चलने के बाद वो जब बैठने लगता है तो उसे चक्कर आते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जब वो उठने लगता है, बैठने के बाद जब वो उठने लगता है तो तब भी उसे ये महसूस होते हैं कि चक्कर आ रहे हैं। अगर आपको ये वाली इलामत नज़र आए तो आप होम्योपैथी की एक मेडिसिन है उसका नाम है टाइफोडिनम। टाइफोडिनम आप टाइफाइड बुखार के किसी भी पेशेंट को आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ता मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएंगे लगातार, तो आपका जो पेशेंट है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। और इसको इस्तेमाल करवाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे टाइफोडिनम को 1 एम पोटेंसी में इस्तेमाल करें। पहले दिन की पहली डोज जो है वो होगी आपकी 1 एम की, 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर। उसके बाद दूसरे दिन भी आप ऐसा ही करेंगे, 1 एम की जो पोटेंसी है उसके 5 कतरे सुबह खाली पेट आप दे देंगे। इसके बाद दोपहर और शाम के वक्त टाइफोडिनम को 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवाएंगे, उसके 5 से 10 कतरे डायरेक्ट जुबान पर डाल लें। इंशाल्लाह आपका जो पेशेंट है वो 4 से 5 दिन में मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएगा। ये है मेडिसिन टाइफोडिनम, और होम्योपैथी की मेडिसिन है, बहुत ही कमाल की है। आप कोशिश करें कि इसको जर्मनी में, यानी जर्मनी के जो पेटेंसी है वो इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी जो मेडिसिन है वो अच्छी है, लेकिन हमने जो इस्तेमाल करवाया है वो है जर्मनी की मेडिसिन। इसलिए आप भी कोशिश करें कि टाइफोडिनम जर्मनी की मेडिसिन लेकर वो इस्तेमाल करें, आपको अच्छा रिजल्ट।